तो जी 14 दिसंबर है, आज सुबह का टाइम हो चुका है 5, और मैं आज करने जा रहा हूँ रूबरू आपको पहाड़ों से। और इस सफ़र में मैं अकेला नहीं हूँ, उसमें मेरे हैं बचपन के दो दोस्त, आप और मैं। हाय, वेलकम टू द चैनल। तो आज हम जाने वाले हैं एक ऐसे ट्रिप पे जो कि होने वाला है 4 दिन का। बाकी डिटेल्स मैं आपको रास्ते में बताता हूँ। तो फिर अभी हम निकलते हैं और यहाँ से निकलने की तैयारी करते हैं। तो आप लोगों को मैं एक चीज़ तो बताना भूल ही गया कि मैं आज मोटो व्लॉग नहीं कर रहा हूँ। आज जा रहे हैं हम 4 व्हीलर से, क्योंकि ठंडा रहेगा काफ़ी ज़्यादा। और 3 जने हैं हम। अभी हमें मुझे अपने एक फ्रेंड को पिक करना है हम लोगों को कोटद्वार से, और मेरा एक फ्रेंड है मनीष। फिलहाल मैं और मनीष निकल पड़े हैं अभी देहरादून से कोटद्वार के लिए, और वहाँ से हम पिक करेंगे अपने दोस्त सेतु चौहान को। फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपने फ्रेंड सेतु के यहाँ पे। भाई साहब को हमने आधे घंटे पहले फ़ोन करा था, उस टाइम वो सो रहे थे। अब अंदर जाके देखते हैं क्या होता है। रेडी होके बाहर निकलो। तो रेडी होके आ गए। ये आ गए भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब। बहुत फास्ट चलाई है तुमने गाड़ी। नहीं नहीं, फास्ट नहीं चलाई हम, सही। हाँ वही कह रहा हूँ, अबे 2 घंटे बहुत होता है कोटद्वार के लिए। अभी तूने बैग पैक कर लिए? बैग मेरे रखे हुए हैं सामने। चलो फिर, मैं तो रात को थोड़ा सा रुक के चलते हैं। नाश्ता पानी कराएगा हमें? नाश्ता तो नहीं, पानी पिला दे। तो भाई ये है मेरे फ्रेंड सेतु का घर, जो कि है कोटद्वार में। और इस एरिया को क्या बोलते हैं? ये मऊकोट पर्टिकुलर गांव है। हाँ। और रीजन ये भावर है। और रीजन भावर है, अच्छा। और बेसिकली यहाँ पर जो पीछे देख रहे हो, ये पूरी राजा जी नेशनल पार्क की रेंज है ना। और यहाँ पे जानवर आते हैं ना। हाँ, बफर जोन है। बफर जोन है ये, राजस्थान नेशनल की बफर जोन है। और यहाँ पे जंगली जानवर आते हैं, जैसे कि तेंदुआ हाथी यहाँ आ जाते जंगली हैं। सुअर। और एक बार तो इसके घर के पास ही आया था। हाँ। वो मतलब यहाँ नॉर्मल है जानवरों का आना, ऐसी कोई वो बड़ी बात नहीं है। तो भाई ये तो बिल्कुल इनटू द वाइल्ड का मजा लेते हैं, यहाँ पे रहते हैं भाई। सबसे ज्यादा सामान इसी का और का है। सामान भी छोड़, ये भाई साहब देख, तुम ही तो हल्ला काट के रखा हुआ है कि ये रख दे वो रख दे ये कर दे। कोई नहीं कोई नहीं, आ जाएगा सामान, बहुत है। ओ भाई भयंकर, हम महीने भर के लिए जा रहे हैं। हम वहीं बसने जा रहे हैं। हम वहीं बसने जा रहे हैं। और तू अच्छा, इस सांड के बारे में क्या बता रहा था कि इसका क्या है बंदर के साथ? बंदर के साथ बिल्कुल सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। इसके पीठ में बंदर बैठता है, ये दिन भर ऐसी घूमता है यहाँ पे। और मैं 2 बार फिल्म बनाने की कोशिश करी। एक बार तो मैंने इसकी फोटो खींची थी, स्टिल फोटोग्राफी, लेकिन वो करप्ट हो गई, पता नहीं क्या किस्मत थी उस दिन। नहीं भैया, इसका बंदर दोस्त कहीं 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 होगा। चल फिलहाल हम, मेरे जो बंदर दोस्त हैं, हम निकलते हैं यहाँ से। ये है सेतु। तो भैया ये है सेतु का पेट कालू। कालू आ जाओ। अरे आ जा यार, चाय पी। कौन सा तू कुछ कह रहा हूँ, बस आ रहा है। चला थोड़ा दूर जाना, बिहेवियर का मुझे पता नहीं है, पता चला है। हां, मैंने चिक्की निकाल दी इसने। फिलहाल तो अभी चाय बन रही है, चाय बना दे। ये कैसे कर रहा है? ये मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि डमडम की आवाज ना आए, ये मेरा साइलेंट तरीका है। और दूध जब जब दूध नहीं है वो, और मिक्स विद बोल में। चल ठीक है ठीक है। इसको कुछ दे दे खाने के लिए। वो उसकी तो खाने की खाने में। तो भाई मिंटू, प्लान क्या है हमारा? अब क्या प्लान है? फिलहाल हमने अभी क्या करा है, हमने मनीष की जो मौसी रहती है यहाँ पे, उनके यहाँ से ब्रेकफास्ट करा लिया पैक। ब्रेकफास्ट में हमने पैक कराया स्वाली, एक गढ़वाली डिश है, स्वाली दिखाएंगे। मैंने तो मैं खुद फर्स्ट टाइम खाऊं। जनरली वो पूरी की जैसी ही होती है, मतलब वो होती है कचौरी जैसी। और हमारा जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है जाने का, सीधे नेक्स्ट डेस्टिनेशन हमारा है पौड़ी। पौड़ी में रुकेंगे, वहाँ भी थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे। पौड़ी में देखते हैं क्या है, क्या देखने को मिलता है। मेरा फर्स्ट टाइम रहेगा, क्योंकि मैं इससे पहले कभी नहीं गया। तो वहाँ जो जो चीज़ें देखने को मिलेंगी, मैं उसे गौर करूँगा। ये बच्चा है, ये जैकेट है। हाँ, ये जैकेट है। नहीं नहीं, बच्चा है वही। पास से देखते हैं, थोड़ा आगे लेना। अबे जैकेट जैकेट है।
भाई वो बिल्कुल बिल्कुल ऐसी लग रही थी कि बच्चे ने पकड़ रखा है, चिपक रखा है बच्चा, चिपका हो। तो अभी फिलहाल हम रुक गए यहाँ पर दुगड्डा करके एक जगह है, और यहाँ पे हम चाय पैक करा लेंगे। हम अपने साथ कैरी कर रखे हैं अपनी थर्मस बॉटल, फिर आगे नाश्ता करेंगे कहीं पर, पैक करा लेते हैं फिलहाल। तो भाई मनीष बाई प्रोफेशन जो है वो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, और सेतु जो है वो लॉयर है प्लस लॉ स्कॉलर है, ठीक है। और तूने कहाँ से करा है? मैंने देहरादून लॉ कॉलेज से, बेसिकली सेतु ने लॉ कॉलेज से करा है और मैंने UIM कॉलेज से MBA करा है। ठीक, अब आगे चलते हैं। ये जगह कौन सी है? गुमखाल। गुमखाल से थोड़ा आगे, यहाँ क्या मस्ती आ रहा है। यह गुमखाल और ये हमारा ब्रेकफास्ट। कहाँ खाएंगे? यहाँ बैठ के खाएंगे। और चाय? चाय ले आना, कब भी नहीं। ये क्या है? ये पूरी मिंटू इसे ज्यादा अच्छे से प्रोनाउंस कर सकता है। स्याली, स्वाली, स्वाले, स्वाले। और इसने बहुत सारे पैक कर दिए हैं, तो हमारे कितने इवनिंग तक के लिए? हमारा इवनिंग तक के लिए हो जाएंगे फिलहाल। इतने ज्यादा है, इतने ज्यादा है कि ये एक काम कर, इसको नीचे रख। वेयर इज माय आईफोन मैम? चलो भाई पहले खा लेते हैं, आईफोन से इसका एक शॉट ले लेते हैं। चुके सतपुली बाजार, और यहाँ से पौड़ी है अप्रॉक्स 45-50 किलोमीटर, पर हमें अभी लगभग डेढ़ घंटा लग जाएगा आराम से, डेढ़ घंटा लग जाएगा। तो हम पहुँच गए हैं पौड़ी, और पौड़ी से हम अभी कितना आगे और जाना है? हम पौड़ी के टॉप में हम इस टाइम पौड़ी के टॉप में, और ये जो जगह है ये है व्यू ऑफ हिमालयन पीक फ्रॉम पौड़ी। ये जगह, ये पॉइंट है, यानी कि सेल्फी पॉइंट है, सेल्फी पॉइंट है, और यहाँ से दिख रही है ये सारी रेंज। अरे मस्त आ रही है। तो भाई हम यहाँ आ गए थोपा खाने। ये क्या है? रावत थोपा शॉप, यहाँ का काफ़ी फेमस है, मुझे नहीं पता, मुझे मनीष ने बताया है। चलो भाई बैठ जाओ। भाई मैंने अपने लिए मंगा लिया है ड्राई थोपा, सीफूड से पिएगा स्लाइस, मिंटू भी पिएगा स्लाइस। इन लोगों ने अपने लिए मंगाया हुआ है नॉन वेज थोपा। मैं हूँ वेजिटेरियन। मटन थोपा एंड मटन चाउमीन, मटन थोपा एंड मटन चाउमीन। तो ये तो एक तरीके से मेरे बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे फ्राइड राइस है। चलो भाई इसे फिनिश करते हैं उसके बाद। तो अब हम जा रहे हैं बहुत ही प्राचीन मंदिर, या कह लीजिए पुराने मंदिर, जो पांडवों के टाइम का है, और नाम है क्यूकलेश्वर। क्यूकलेश्वर ना? यस। और कितनी दूर हो गया यहाँ से? 1 किलोमीटर। फिलहाल तो हम अब पौड़ी के अंदर हैं, तो ज़्यादा देर नहीं लगेगा। एक वहाँ पे हम ज़रा देख कर आते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो जो शूट करेंगे वही करेंगे, वहाँ के आपको दिखाते हैं फुटेज। तो हम पहुँच गए हैं मंदिर, चलें ऊपर चलते हैं। आप भाई हीरो खेलना है, खेलना उसने। अरे भयंकर, क्या बढ़िया है ना, भोटिया है ये, भोटिया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय, रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, हर हर भोले। हम देहरादून से आए हैं, तो आप ये कितना पुराना मंदिर है? ये लगभग 200 वर्ष। 200 हर, अच्छा। बाकी और क्या? ये जो है भैया ये यमराज जी की तपस्थली है। यमराज जी की? हाँ, यमराज जी ने तपस्या क्यों की कि एक तारकासुर नाम का भयंकर राक्षस था जी, जिसके भय से जो है यमराज जी भयभीत हो गए। अच्छा जी। तब यमराज जी ने भगवान शंकर जी की तपस्या की, तपस्या करते करते जो है यमराज जी का शरीर कंकाल हो गया था, कंकालेश्वर नाम तब से जाना जाता है। अच्छा। हाँ, उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान शंकर जी ने उनको दर्शन दिए। अच्छा अच्छा। यमराज जी को तब यमराज जी ने दो वरदान मांगे।
जी। एक तो आप कलि काल में इस स्थान पे गुप्त रूप से वास करें और दूसरा जो ये तारकासुर नाम का भयंकर राक्षस है इसका वध हो जाए। बाकी स्कंद पुराण के केदार खंड में यहाँ का विस्तृत वर्णन है। अच्छा जी, ठीक है। तो जी, जो यहाँ की प्राचीन बातें मानी जाती है, प्राचीन कथा जो बताई अभी पंडित जी ने, वो ये थी, आपने सुनी ली होगी। और मंदिर के दर्शन मैं करा ही चुका हूँ, अब हम यहाँ से निकलने की तैयारी करते हैं। और हमें पहुँचना है अब मनीष के एक फ्रेंड के यहाँ, जो कि है श्रीनगर में, और वो यहाँ से पड़ेगा नियर अबाउट 30-35 किलोमीटर्स का अभी और हमें कवर करना रास्ता। तो अब वहाँ पहुँचेंगे, फिर आज का स्टे हमारा वहीं होगा। अब हम नीचे उतरेंगे ना यार, यहाँ से तो पूरी अच्छा हिमालय ने दिख रही है बढ़िया फर्स्ट क्लास सेतु। तो ठीक है मेरा भाई। हाँ भाई, बिल्कुल फाइन हूँ। कल तो ट्रैक करना है तेरे को। कल थोड़ी बहुत सांस फूल रही है। थोड़ी बहुत फूल रही है, ठीक है। तुझे मैं अपने कंधों पे बैठा के लेके जाऊंगा यार। हाँ भाई, यहाँ पे फ्रंटियर स्वीट्स वाला है, कहाँ पे, जो कि बहुत ही फेमस है यहाँ पे ये। अच्छा, ये जो है फ्रंटियर स्वीट्स, ये। अच्छा, तो ये यहाँ की सबसे फेमस शॉप है, ऐसा क्या मिलता है? स्वीट शॉप है। स्वीट शॉप है, क्या कौन सी मिठाई फेमस है इसकी? बाल मिठाई यहाँ की बहुत फेमस है। अच्छा, सही कह रहा तू। हाँ, मैंने एक ब्लॉग देखा था, उसमें भी था ऐसा, उसमें वो बता रहे थे कि यहाँ की बाल मिठाई बहुत फेमस है, बहुत पुरानी शॉप है ये, और यहाँ की चाय भी बहुत अच्छी है। तो थोड़ी देर पहले हम वहाँ थे, और अब हम यहाँ पे जा रहे हैं श्रीनगर की तरफ, जो कि रह गया है आज से 22 किलोमीटर। वहाँ जाके करेंगे हम आराम और स्टे। और स्टे हमारा होगा वहीं, तो क्योंकि अब तो बहुत ज़्यादा हो गई है थकान। हमारा ड्राइवर जो है वो बहुत परफेक्ट है, और वो हमेशा चुस्ती और स्फूर्ति में रहता है। उसको उसने अभी अभी अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है। बंदा पहले से 10 साल छोटा हो चुका है। पहले मैं मोटा हुआ पहले अरे नहीं, पहले मैं बहुत ही मोटा था, कभी कभी तो घर से निकलना भी मुश्किल हो जाता था। मोटा मोटा कह के तंग किया करते थे, पर अब मैं बहुत पतला हो गया। लेकिन वो जिम्मेवारी मैंने ले ली अपने दोस्त से, और अब मैं मोटा हो गया हूँ और ये पतला हो गया है। ये पतला हो गया है। हम पहुंच चुके हैं अब श्रीनगर, अब हम जाने वाले हैं मनीष के फ्रेंड के यहाँ, और मैं कोशिश करूंगा वहां जाके व्लॉग को एंड करूंगा। तो अभी फिलहाल यहाँ से कितनी दूर होगा? और पहुँचने वाला है, 5-10 मिनट पहुँच जाएंगे, फिर करेंगे रेस्ट। पहुँच चुके हैं हम, और हमें जाना है यहाँ पे इस टाइम। तो फाइनली हम पहुँच चुके हैं मनीष के फ्रेंड के यहाँ, और व्यू तो यहाँ से बहुत अच्छा है, बट इस टाइम लो लाइट होने की वजह से मैं दिखा नहीं पाऊँगा। और इनके यहाँ हैं दो भोटिया डॉग, सिखाता हूँ। एक ये रहा, इसका नाम है कालू, और एक ये है, इसका नाम है जेरी। तो फिलहाल मैं अपने इस व्लॉग को कर रहा हूँ यहीं पे एंड, और अब आगे की जर्नी मैं अगले व्लॉग्स में दिखाता रहूँगा। आज थोड़ा सा टायरिंग डे हो गया और थकान भी ज़्यादा हो गई है, तो अब हम डिनर करेंगे, उसके बाद मोस्ट प्रोबब्ली हम रेस्ट ही करेंगे। तो चलिए, फिर मिलता हूँ मैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राइड सेफ, स्टे सेफ। दिस इज़ ग्रेवी ट्रैवलर, बाय बाय, टेक केयर।